खास तौर पर बनाया गया है, काले कानून वापस लो, किसान एकता मोर्चा गाजीपुर, इस तरीके के जो झंडे लगेंगे, तिरंगा झंडा रहेगा, किसानों का अपना झंडा है, ये सारी चीजें हैं। तो कल बातचीत है आप लोगों की फिर से सरकार से, और आज इस तरीके का, इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, सरकार से 8 दौर की वार्ता में लगभग 70 घंटे से ज्यादा की मैराथन दौड़ हो गई, उसमें नतीजा 0 है। तो सरकार हमारा जो कार्यक्रम है लगातार 26 तारीख तक के कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे ने घोषित कर दिए, उसी का हिस्सा है आज का ये कार्यक्रम। 6 तारीख को होना था, मौसम खराब होने की वजह से उसे एक्सटेंड करते हुए 7 तारीख आज कार्यक्रम हो रहा है, और ये पखवाड़ा पूरा 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जगह पूरे देश के अंदर जन जागरण और आंदोलन जो है होंगे, और उससे देश के ट्रैक्टर आज आप निकाल करके ले जा रहे हैं, लगभग हजारों ट्रैक्टर गाजीपुर से आज निकल रहा है, ये एक नमूना मात्र है, ये तो ट्रेलर है एक। इसके बाद 26 तारीख को लाखों ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर होगा, ये इतिहास में पहली बार होगा कि 26 जनवरी को देश का किसान 26 जनवरी में परेड में शामिल होने इतनी बड़ी संख्या में आएगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी आ गए हैं, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के, और वीरेंद्र गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आप किसान नेता हैं। सबसे पहले मास्टर शिवराज जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, चौधरी चरण सिंह तो ये कहते थे कि किसान इस देश का मालिक है लेकिन अपनी ताकत भूल बैठा है, और आज हम देख रहे हैं कि सरकार से कल बातचीत से ठीक पहले ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं इस रैली के जरिए? ताकत का एहसास ही नहीं हुआ सरकार को, 42 दिन हो गए, हमारे 60 किसान भाई शहीद हो गए, अभी ताकत का एहसास नहीं हुआ। इतनी 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, बारिश और ओले तक पड़ लिए, किसान टस से मस नहीं हुआ, तो सरकार को ताकत का एहसास नहीं हुआ? देश का किसान 42 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है मैडम। नहीं लेकिन शिवराज जी, अगर बातचीत के टेबल पर मुद्दा है, अगर बातचीत के टेबल पर मुद्दा है, तो फिर ताकत का एहसास ट्रैक्टर रैली के जरिए, कानून की कॉपी जलाने के जरिए अभी कराने की क्यों जरूरत है? ये तो आंदोलन का थोड़ा बहुत हिस्सा है, क्यों कि सरकार वार्ता तो कर रही है लेकिन पंचों की बात सिरमाते पतनाला हुई रहेगा, मानना मान मैं तेरा मेहमान, इस वाली